चैप्टर सिक्स है वंस अपॉन अ टाइम ये क्या है ये एक स्पीच है जिसके राइटर है टॉनी मॉरिशन टॉनी मॉरिशन कौन है अ ब्लैक वोमेन है टॉनी मॉरिशन कहता है नोबेल प्राइज इनको मिला था किसमें लिटरेचर के क्षेत्र में कब मिला था उन्नीस सौ तिरानवे ईस्वी से को देखिए ऐसे याद रखिएगा उन्नीस ईस्वी में मिला था आंग सान सुखी को नोबेल प्राइज और इनको मिला कब उन्नीस तिरानवे ईस्वी यानी दो साल बाद उसके दो साल बाद यानी उन्हें सौ तिरानवे में मिला इनको नोबेल पीस प्राइज उसके व... उसके बाद इनको मिला है पुलिटर प्राइज कौन सा प्राइज पुलिटर प्राइज किसके लिए फिक्शन के लिए फिक्शन मतलब होता है कहानी इनको जो है सेवंथ नो इनका सेवंथ नोवेल जो है प्रकाशित हुआ था जिसका नाम है पाराडाइज उन्नीस सौ में अब देखिए नोवेल प्राइज पाने वाली ये एट नंबर की वुमेन थी मतलब कि आठवीं महिला थी नोबेल प्राइज पाने वाली और फर्स्ट ब्लैक वोमेन कहेगा फर्स्ट ब्लैक वोमेन जिसको पी, नोबेल पीस प्राइज मिला वो कौन थी तो टॉनी मरिशन चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट ब्लैक वोमेन टू रिसीव पीस नोबेल प्राइज इन लिटरेचर नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में किनको मिला टोनी को ऑप्शन बी सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द द ओल्ड मैन इन अ टाइम आंसर क्वेश्चन बाय द यंग मैन इफ ओनली सी कुड मतलब कि जो ओल्ड वोमैन है ऑन अ टाइम में वो आंसर क्वेश्चन का आंसर दे सकती थी मतलब जो यंग मैन उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना उसका आंसर दे सकती थी यदि वह क्या कर सकती देख सकती तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है द बॉय इन वंस अपॉन अ टाइम कैरीज अ फिल इन द ब्लैंक्स एंड अ जग ऑफ वार्म साइडर मतलब कि एक गर्म वार्म साइडर का जग लिया हुआ था लड़का और क्या लिया हुआ था तो लैंप लिया हुआ था किसमें में वंस अपॉन अ टाइम में फोर नंबर क्वेश्चन कहता है सम फिल इन द ब्लैंक्स पीपल विजिटेड द ओल्ड वोमैन इन वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि ओल्ड वोमेन से मिलने के लिए कौन आए थे तो कुछ यंग पीपल आए थे तो ए हो जाएगा फाइव नंबर क्वेश्चन कहता है वट डिजेबिलिटी डिड द हैव इन अपॉन अ टाइम मतलब कि वंस अपॉन औ टाइम में औरत के पास जो होता है क्या डिजेबिलिटी होता है उनका कमजोरी क्या होता है तो वो ब्लाइंडनेस होती है क्या होती है ब्लाइंडनेस मतलब वो वो देख नहीं पाती है सिक्स नंबर क्वेश्चन है ओल्ड house is situated outside of town matlab ki मतलब man ओल्ड मैन का हाउस जो था कहा था तो टाउन के आउटसाइड में सेवन नंबर क्वेश्चन का टॉनी मॉरिशन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ क्या चीज लिटरेचर इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वोमेन इज द डॉटर ऑफ क्या स्लेव मतलब कि जो स्टोरी है ना वंस अ टाइम उसमें जो औरत जो रहती है वो बेटी रहती है किसकी गुलाम की स्लैब मतलब होता है गुलाम नाइन नंबर क्वेश्चन कहता है टॉनी मॉरिशन वाज द फर्स्ट फीलिंग द ब्लैंक्स टू रिसीव टू रिसीव द नोबेल प्राइज फर्स्ट क्या थी ब्लैक वोमेन और एट थी वोमेन टेन नंबर क्वेश्चन है इन किस, किस से मिलती है तो पीपल ऑप्शन ए हो जाएगा इलेवन नंबर कहता है इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द ओल्ड वोमेन वाज फील इन द ब्लैंक्स तो ब्लाइंड थी लेकिन चलाक थी क्या थी चलाक यानी ब्लाइंड वाइज मतलब बुद्धिमान नंबर क्वेश्चन कहता है टॉनी मॉरिशन इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन अ टाइम थर्टीन नंबर क्वेश्चन कहता है द ओल्ड दुम बाज फिल इन द ब्लैंक्स इनफ टू नो सी वुड नॉट हेल्प द यंग पीपल ओल्ड वोमेन थी ना बहुत ज्यादा ही चलाक थी जानती थी कि वह जो है इन यंग पीपल की मदद नहीं करेंगी करना चाहिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन अ टाइम तो कौन था है टॉनी मॉरिशन फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन कहता है द ओल्ड वोमैन और द ओल्ड मैन बाज जो ओल्ड मैन थे वो क्या थी तो बाइज थी बुद्धि मान थी सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन कहता है द यंग पीपल आस्क द ओल्ड वोमैन अ क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवेन बाई वन हु कुड क्या सी मतलब कि वो जो यंग पीपल जो है यंग पीपल जो है ओल्ड वोमेन से जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर कौन दे सकता है जो कि देख सके तो ऑप्शन डी हो जाएगा सी सेवनटीन नंबर क्वेश्चन है द ब्यूटी ऑफ जेनाइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रेसियस देन देखिए ये आंक वाला है तो क्या था गोल्ड डायमंड और सिल्वर तो इसमें गोल्ड डायमंड मतलब गोल्ड और सिल्वर नहीं है क्या है डायमंड है तो डायमंड हो जाएगा तो एटीन नंबर क्वेश्चन देखिए हैव इन टाइम टाइम में औरत की जो है डिजेबिलिटी क्या होती है कि वो ब्लाइंडनेस होती है वो देख नहीं सकती है नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है द हाउस ऑफ द ओल्ड वोमेन इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द टाउन हाउस कहाँ था आउटसाइड ऑफ द टाउन ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है द ओल्ड वोमैन इज कंसिडर टू बी क्या चाहिए रूलर प्रोफेट द ओल्ड मैन जो है कंसीडर्ड की जाती है किससे जिनके पास शक्ति होता है ना उनकी तरह यानी रूलर प्रोफेट ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन कहता है टॉनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट ब्लैक वोमेन क्या हो जाएगा फर्स्ट ब्लैक वोमेन ंग विजिटर्स आर क्या थे रिप्रीमेंडेड मतलब की जो यंग विजिटर आए थे उनसे मिलने के लिए वो फटकारे गए थे किसके लिए तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे किसके प्रति तो जो बूढ़ी औरत जो कि देख नहीं सकती है उसके प्रति इसलिए वो क्या किए गए थे यंग विजिटर फटकारे गए थे रिप्रीमेंडेड मतलब होता है फटकारा जाना ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन कहता है द यंग विजिटर आर रिप्रीमेंडेड आर फॉर ए सर्टिंग दियर क्या पावर उनके पावर पे जोड़ देने के कारण ही यंग विजिटर क्या किए गए थे फटकारे गए थे ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी